दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। आज तो बड़ी बीबी साहिबा अरीज को ऐसे प्यार कर रही हैं जैसे 25 साल पहले आपके साथ खेला करती थी। मोहब्बत की तरसी हुई है अम्मी, किसी ने उनसे प्यार नहीं किया। और अगर उन्होंने किसी से मोहब्बत की भी तो सिर्फ सलमान से। जो उनका बेटा ही नहीं है। सही कह रही हैं आप, लेकिन छोटी बीबी साहिबा पता नहीं मुझे क्यों लगता है बड़ी बीबी साहिबा को जल्दी सारा कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वो लोग भी बड़ी जल्दी में लगते हैं। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी यही लगता है। भाईजान को जब से ये मालूम हुआ है कि इस घर की बेटी अरीज जो कि मैं हूं, सारी प्रॉपर्टी जायदाद की मालिक, तब से वो मुझसे नफरत करने लगी है। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं है कि मैं ये सब कुछ जान चुकी हूं। और अब लगता है कि उन्हें इस बात से आगाह करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं छोटी बीबी साहिबा, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है वसाई, ताईजान को अब असल तस्वीर दिखानी ही पड़ेगी। ताकि वो अपनी हद में रहें और मेरी फैमिली उनकी हसद और नफरत से महफूज रहे। अल्लाह साईं, छोटी बीबी साहिबा की मुश्किलात को आसान करना। आ जाओ। आज तुम्हें मेरे कमरे का रास्ता कैसे नजर आ गया? तुम तो हमेशा अपनी सास के कमरे में पाई जाती हो ना? सास नहीं है वो, मेरी माँ है। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जान चुकी हूं। So?
अब जाओ फौरन और जाके सलमान को और मेहरीन को बता दो। जाओ। हाँ जरूर बताऊंगी। लेकिन वक्त आने पे और बल्कि पूरे शहर को बताऊंगी। लेकिन अभी जो बात बताने वाली है ना स्पेशली आपके लिए वो ये है पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान अहम होता है, रिश्ते मुकद्दस होते हैं, एहसास जरूरी होता है। लेक्चर देने आई हो तो मुझे ये हाँ नहीं मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि आपको ये बातें अहम लगती हैं या महज सिर्फ लेक्चर। जाओ यहां से तो गो। जा रही और हाँ एक आखिरी बात, ये बिजनेस प्रॉपर्टी जायदाद इस सब की मालिक मैं हूं। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूं। तो आपको मशवरा है इसके ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। सिर्फ मेरे कोर्ट जाने की देर। आपका 25 साल का प्लान किया हुआ गेम मिनटों में तबाह कर दूंगी। तो मेरी इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि मेरे शौहर मेरी मां और मेरी बच्ची की जिंदगी से दूर रहें। इसी में आपकी बेहतरी है। त्रिये साहब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है? आप तो वकील के पास गए थे ना, क्या बताया उसने, क्या कहा? सब बेड़ा गरक कर दिया, सब उलट पुलट हो गया। क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ है? वकार ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अरीज के नाम कर दिया था। हाँ ये तो हम सब जानते हैं। वकार मर गया, अरीज गुम हो गई, तो कानूनी इख्तियार मेरे पास आ गया था, इसलिए मैंने सारे इख्तियारात सलमान को दे दिए थे। इद्रीस ये सब तो हमें मालूम है, अभी क्या हुआ ये बताएं। अब उस सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की असल हकदार आ गई है, वो अपना हक हमसे लेगी। ऐसे कैसे ले लेगी? नहीं देंगे तो कानूनी तौर पे ले लेगी, उसका केस मजबूत है, वो वकार की बेटी है। क्या मुसीबत है, अब क्या करेंगे? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूंगा।
आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़के में होंगी तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। सुल्तान, मैं आपसे मोहब्बत करती। इस तरह के फजूल फैशन तुम पे सूट नहीं करते। सब लोग मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं। तेरी जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लग रही है। ये तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं? अब जैसा चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की, ये क्यों साबित करने पर तुली हो कि तुम टफर हो। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती सुल्तान। एक पल में कुछ होते हैं। मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और अगले ही पल में कुछ और। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। मुसर्रत, मैं तुम्हें और बच्चों को कैसे भूल सकता हूँ, बस काम की मसरूफियत है, चक्कर लगाऊंगा ना। हाँ अच्छा सुनो, कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलो शाइस्ता, क्या बात है? रूह जाई थी, अपना हक जिताने के लिए। कैसा हक? वो इस सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है। कोर्ट की धमकी देके गई है मुझे। बस इतरीस, मैं बता रही हूं आपको, ये सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अब हमारे हाथ से जाने वाला है। कुछ नहीं जाएगा कहीं भी। अब क्या करेंगे? वही जो मैंने सोचा था, आखिरी हल। अब लगता है उसी में अमल करना पड़ेगा। देख लिया ना, देख लिया किस तरह से ये जादूगरनी सारे माहौल पे कब्जा कर रही है। हाँ देख रहा हूँ। सिर्फ देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। शायस्ता, हम बेमकसद दीवार पे सर फोड़ के उसको कोशिश करार नहीं दे सकते। हमें दीवार गिराने की तदबीर करनी होगी। नहीं इद्रीस, मेरी बात गौर से सुने आप। हम ये बात मानेंगे ही नहीं कि वो वकार की बेटी है। कह देंगे कि फ्रॉड है, जायदाद बिजनेस पे कब्जा करने के लिए झूठ बोल रही है। क्या बात कर रही हो शायस्ता, आजकल डीएनए से फौरन पता चल जाता है। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। सास नहीं है वो, मेरी माँ है। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जान चुकी हूं। So, अब जाओ फौरन और जाके सलमान को और मेरिन को बता दो। जाओ। हाँ जरूर बताऊंगी,
लेकिन वक्त आने पे खरभल के पूरे शहर को बताऊंगी। लेकिन अभी जो बात बताने वाली है ना, स्पेशली आपके लिए, वो ये है, पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान अहम होता है, रिश्ते मुकद्दस होते हैं, एहसास जरूरी होता है। ये बिजनेस, प्रॉपर्टी, जायदाद, इस सब की मालिक मैं हूं, और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूं। तो आपको मशवरा है, इसके ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरे कोर्ट जाने की देर है। आपका 25 साल का प्लान किया हुआ गेम मिनटों में तबाह कर दूंगी। तो मेरी इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि मेरे शौहर मेरी माँ और मेरी बच्ची की जिंदगी से दूर रहें, इसी में आपकी बेहतरी है। आखिरी हद, अब लगता है उसी में मंत्र अपने हाथ। आखिरी हद, क्या चल रहा है त्रिश के दिमाग में? क्या सोचा हुआ है उन्होंने? मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हो तुम, तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम और हमजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन भाई और भाभी, तुम कभी भी उनके दिलों पर राज नहीं कर सको। शादी करो, अमेरिका जाओ और वहीं सेटल हो जाओ। हाँ तो पापा, तो मैं शादी करके रानिया के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा। हमने किसी और को सिलेक्ट किया है तुम्हारे लिए। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बोलो साहब, क्या काम? एक बहुत अहम काम करना है, मगर काम करना बिल्कुल सफाई से है। साहब, हम हर काम सफाई से करते हैं, लेकिन ये बोलें किसको साफ करना है? एक लड़की है, इसमें तस्वीर है उसकी। बाकी काम के बाद। हो जाएगा साहब, लेकिन कब करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा।
मेरी कॉल का इंतजार करना और हर वक्त तैयार रहना, और कोई चांस नहीं देना, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब बेफिक्र हो जाओ साहब, काम हो जाएगा आपका, चलता हूँ मैं। ड्राइवर चलो। छोटी बेबी अरीज, छोटी सी जानू, छोटी छोटी सी आदत। हाँ सलमान। मॉम मुझे आपसे परमिशन लेनी थी। कैसी परमिशन? मैं अरूज को डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। सुनो, कुछ चीजें हैं मेरी प्यारी सी अरीज के लिए, वो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, प्लीज यहाँ से आते हुए ले आना। जी। किसका? पापा जा रहे हैं, बाबा मम्मा के साथ जा रहे हैं। पापा को अल्लाह हाफिज कर दो। चले आप अपना ख्याल रखिए। हाँ। पापा को बाय बाय कर दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगर हम बाहर जा ही रहे हैं तो अपना मूड तो ठीक कर लो। सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, वरना मेरा कोई मूड नहीं था। अरूज, हम बाहर जाएंगे, अच्छा सा डिनर करेंगे, शॉपिंग करेंगे ना, तुम्हारा मूड भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जिद के आगे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। चलो। अभी गाड़ी निकल रही है, लेकिन याद रहे सिर्फ लड़की। लड़के को खरोश भी नहीं आनी चाहिए, समझ गए?
अरे वाह, आप मुझे तो बेवकूफ कहते रहे और खुद ये सारी प्लानिंग कर रहे। यही दुरुस्त है। अगर आपने यही करना था तो थोड़ा इंतजार तो कर लेते। उस वक्त करते जब रूच अकेली होती। इंतजार करने का वक्त नहीं है। लेकिन इसकी जर्द में सलमान भी तो आ सकता है। कुछ नहीं होगा, बानी की शूटर है, कुछ नहीं होगा। फिर भी इसे कामों में ना गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। देखो, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और तुम सब्र रखो, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, सब ठीक होगा। खैरियत है सलमान बेटा? ताया सब कुछ क्या है? मैं कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और ये कुछ प्रॉपर्टी की फाइल्स हैं। ये सब अरीज के नाम पर है, आखिर कौन है ये? ये तो मैंने बताया था कि वो मेरीन को नाम। एक नाम के पसंद होने पर इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? और इस बात का हमें पता ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि बेटा मुझे इसका इल्म नहीं है। बकार मरूम ही सब कुछ देखते थे, जो वो कर देते थे वही आखिर होता था। मैंने तो कभी सवाल भी नहीं किया। सच पूछो तो मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने भाई के बगैर जीना पड़ेगा और ये सारा कारोबार संभालना पड़ेगा। जाना शायस्ता, नो रिस्क नो गेन। जगह तो यही है ना, तो बस बाइक रेडी रख और घुमा दे बाइक को, समझ गया ना? ठीक है। मैं बस आया।
चल चल बाइक स्टार्ट कर। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, चलो हॉस्पिटल चलो। चलो लोग कौन थे वो? छोड़ो सब, पर तुम्हारा खून बह रहा है, जल्दी करो। आराम से सलमान, तुम ठीक हो ना? रोज आहिस्ता गाड़ी चला। मैं बिल्कुल ठीक गाड़ी चला रही हूँ। रोज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? खून बह रहा है तुम्हारा, हमारा हॉस्पिटल पहुँचना बहुत जरूरी है। तुम ठीक हो ना? यही मेरे लिए काफी है। पागल हो तुम। दर्द तो नहीं हो रहा? बस हम पहुंचने वाले हैं। साहब, हमने निशाना तो बहुत करीब से लगाया था, मगर अगर मगर क्या क्या हुआ है? एंड टाइम पे ना लड़की टारगेट से हट गई और उसे गोली नहीं लगी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू।